डियर ऑल, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे नेटवर्क के उन सभी नए कंसल्टेंट्स के लिए जिन्होंने ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह और जो यहाँ इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ के अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि हम क्या करें, कैसे शुरुआत करें, किस तरह से आगे फॉरवर्ड हों। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे और आप अपने ओरिफ्लेम कैरियर की एक राइट स्टार्टिंग कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या ऑफर करती है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक फ्लैक्सिबल वर्क फ्रॉम होम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक करियर ऑप्शन देती है जहाँ आप अपनी शर्तों पर काम करके अपने खुद के बॉस बन के अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अपनी ओरिफ्लेम जर्नी की शुरुआत के लिए आपको क्या क्या करना है हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। और हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें शुरुआत करनी है अपनी ओरिफ्लेम जर्नी की ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स के सेल्फ यूज़ से। जैसा कि आप सब जानते हैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, एनिमल्स पे टेस्ट नहीं होते, डायरेक्टली ह्यूमन वॉलंटियर्स पे टेस्ट होते हैं और बहुत ही सेफ हैं हमारे इस्तेमाल के लिए। सेकेंडली, हमें इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट नहीं करनी क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शैम्पूस, फॉर एग्जांपल फेस वॉशेस, फॉर एग्जांपल बॉडी क्रीम्स, सोप्स, लिपस्टिक्स, हैंड क्रीम्स या अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो हम में से हर कोई अपने परिवार में यूज़ करता है। तो हमारा पहला काम है ओरिफ्लेम के साथ जुड़ के कि हम सेल्फ यूज़ करें, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की हैबिट डालें। वो सारे प्रोडक्ट्स जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमें धीरे धीरे ओरिफ्लेम से रिप्लेस करने हैं। सेल्फ यूज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल्फ यूज़ आपको देता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ यूज़ के बाद जब आप प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन स्टार्ट करते हैं तो ये रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाता है क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिकमेंडेशन होती है और सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हेयर ड्राई हैं और आपने अपने ड्राई हेयर्स को बैलेंस आउट करने के लिए कोकोनट का शैम्पू यूज़ किया है तो जो फीडबैक आपका खुद का होगा वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग और ट्रस्टवर्दी होगा बाकी सारे लोगों के लिए। जब हम प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूज़ करते हैं तो उससे हमें मिलता है कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ हमारा प्रमोशन बढ़ता जाता है। और ओरिफ्लेम में आगे बढ़ने के लिए हमें दो डायरेक्शन में काम करना है, हमें प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन भी करना है और साथ ही साथ हमें अपना बिजनेस भी बिल्ड करना है, यानी कि वो सारे लोग जो कि प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं या अपने लिए ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन चाहते हैं उन सबको अपनी टीम का पार्ट बनाना है, अपने नेटवर्क का पार्ट बनाना है और अपना बिजनेस बिल्ड करना है, राइट? जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है आप अपना बिजनेस बिल्ड करने लगते हैं, आपकी इस बिजनेस से अर्निंग बढ़ती जाती है, आपको मंथली अर्निंग्स के साथ साथ एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी मिलता है, आपके टाइटल्स चेंज होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप साइड बाय साइड क्वालिफाई करने लगते हैं जैसे कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ फंड ट्रिप्स और आपकी ओरिफ्लेम टीम बिल्डिंग की शुरुआत होती है आपके कस्टमर्स और आपके नोन्स से। जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन स्टार्ट किया है धीरे धीरे आपके यही कस्टमर बेस में से बहुत सारे लोग आपकी टीम का पार्ट बनने लगते हैं। साथ ही साथ हमें फोकस करना है अपनी रिकमेंडेशन को और स्ट्रांग और पावरफुल बनाना प्रोडक्ट्स की राइट नॉलेज के साथ, जिसमें सेल्फ यूज मेजर रोल प्ले करता है और उसके साथ साथ रोल प्ले करता है हमारी प्रोडक्ट नॉलेज। हमारी टीम कैसी होनी चाहिए? हमारी टीम एक ऐसी डायनेमिक टीम होनी चाहिए जिसके ड्रीम्स हों, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं और जो अपने और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और ओरिफ्लेम के साथ जुड़ के आप इस ऑल्टरनेटिव वर्क फ्रॉम होम करियर ऑप्शन में आते हो जहाँ पे आप तीन होराइजन्स पे काम करते हो, प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट सेल्फ यूज़, अपनी टीम बिल्डिंग यानी लाइक लोगों को हंट करना और उनको कोच और ट्रेन करना। जैसे 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 आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हो आपकी टीम का साइज़ बढ़ने लगता है। और ये कैसे होता है? ये
बहुत ही सिस्टमैटिकली धीरे 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 एडवांसमेंट होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ एंड आई एम श्योर इससे आपको समझने में आसानी होगी। जब हम ये कहते हैं कि एक ओरिफ्लेम मैनेजर की टीम में लगभग 40 लोग होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि ये 40 के 40 लोगों को क्या मुझे ढूंढना होगा, राइट? तो हमारे लिए ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रक्चरली समझें, आपने स्टार्ट किया, आप फोकस करोगे अपनी 3 या 5 लोगों पे, आप उनको अपनी टीम का पार्ट बनाओगे, इनके साथ आप ओरिफ्लेम का प्लान डिस्कस करोगे, इनके ड्रीम्स डिस्कस करोगे, ये क्या चाहते हैं ये डिस्कस करोगे, और इनको रिकमेंड करोगे सेम चीज़ डुप्लीकेट करने की, यानी कि आपकी टीम का हर मेंबर फोकस करेगा 3 या 5 लोगों पे अपने साथ। अगर हम 3 का एग्जाम्पल लें तो आपके फर्स्ट लेवल में आते हैं 3 लोग और आपका टीम साइज हो जाता है 4, 3+1 आप। अगर ये 3 के 3 लोगों को टारगेट करते हैं तो आपकी टीम में 9 और नए लोग आते हैं सेकेंड लेवल में और आपका टीम साइज हो जाता है 9+3=13। अगर हम थर्ड लेवल की बात करें, अगर ये 9 के 9 लोग सिर्फ 3-3 लोगों को टारगेट करते हैं अपने साथ, तो आपकी टीम में 27 नए लोग आते हैं और यहाँ आपका टीम साइज हो जाता है 27+12+13, यानी कि 40। और एक ओरिफ्लेम मैनेजर के लिए टीम साइज कितना होना चाहिए? 40। तो आपने देखा कि किस तरह से टीम की बिल्डिंग से आपका काम भी डिवाइड होता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपकी अर्निंग्स बढ़ती है। इसीलिए ओरिफ्लेम एक टीम बिजनेस है, राइट? क्या आप शॉपिंग करने अकेले जाते हो तो मजा आता है, या आप मूवी देखने अकेले जाते हो तो मजा आता है? इसी तरह से ये एक फन वर्क है जिसको आप टीम के साथ मिलके करते हो। तो फ्रेंड्स, ये मंथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने हमारे पास है बहुत कुछ। सबसे पहले हमारे पास है एक एक्टिविटी ऑफर जो कि हर कंसल्टेंट के लिए है। अगर वो 75 बोनस पॉइंट का ऑर्डर डालता है तो वो अपने लिए क्लेम कर सकता है रोहित पाल का डिज़ाइनर क्लच इन जस्ट 399।